तुम किस लिए नाच गा रहे हो? है? क्या कहा भैया? अरे हम ये बोल रहे हैं, कल हमारे प्रिय राजकुमार राम राजा बनने जा रहे हैं। राजा? क्या कहा? राजा? मेरा भरत लाल राजा बनने जा रहा है। अरे बुढ़िया, तुझे तो भरत के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। भरत नहीं, राम, हमारे बड़े राजकुमार राम। राम 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 राजा बनेगा, राम राजा बनेगा। हाँ, मैं भी देखती हूँ राम राजा कैसे बनेगा। चलो। अरे बुढ़िया, अरे बड़े राम राजा बनेगा। क्या बात है मंत्रा, आज तूने ये मुंह क्यों फुलाया हुआ है? अरे तू तो बड़ी बोलने वाली है, तो तुझे क्या हुआ? अच्छा देख, हमारा ये हार देख, जानती है महाराज ने हमें ये मुझे काहे की उदासीन, और भला कोई मुझे क्या कहेगा, परंतु आज सारी अयोध्या में उस राम को छोड़ के किसी की भलाई नहीं है। रानी जी, जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसको चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुझे दिखाई देता है? ये खुशी नहीं, ये मातम है। और बजते हैं ये जो नकारे, आवाजों में इनकी गम है। मंत्रा खुल गए, खुल गए, खुल गए भाग उस सौतन कौशल्या के है। किस तरह पलटा लेते हैं, परदेश भरत को भेजा है, अधिकार राम को देते हैं। राजपाट की बातों में बोलने वाली तू होती कौन है? मुझे स्मरण है, मैं कोई नहीं होती, मैं एक दासी हूँ। पर जरा सोच, कहीं ऐसा भी होता है कि भरत को परदेश भेजा है और अधिकार राम को देते हैं। मंत्रा, राम और भरत मुझ पेड़ की दो शाखाएं हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, मेरी आंख के तारे हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। याद, कुछ याद तुझे है रानी? दो वर राजा पे बाकी है। दो वर? कौन से दो वर मंत्रा, तुम क्या ना क्या चाह रही है? अरे मेरी भोली रानी, तेरा ये बोलापन ही तो तुझे ले डूबा। रानी, एक बार देवराज इंद्र ने महाराज से सहायता मांगी थी, उस समय तू भी महाराज के साथ युद्ध पे गई थी और तूने महाराजा की जान बचाई थी। उस समय महाराज ने कहा था, मांगो रानी, वरदान मांगो। बस
बस आज ही समय आया है उन दोनों वरदानों को मांगने का रानी। परंतु हम उन वरदानों में मांगे क्या? अरे मेरी भोली रानी, पहले वरदान में भरत लाल के लिए सारी अयोध्या का राज्य है। क्या हमारा पुत्र यहाँ का राजा बन सकता है? हाँ, भरत लाल जी अयोध्या के राजा बनेंगे। मंत्रा, क्या युक्ति सुझाई है? सचमुच मंत्रा, तू तो केकईपुर से हमारे लिए ही आई है। सचमुच हमारा पुत्र यहाँ का राजा और हम यहाँ की महारानी। वाह मंत्रा वाह, क्या बुद्धि सुझाई है। अरे मेरी भोली रानी, अभी तो दूसरा वरदान बाकी है। नहीं मंत्रा, हमें पहले वरदान में ही सारा ब्रह्मांड मिल गया, अब हमें दूसरे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं। अरे मेरी रानी, दूसरा वरदान मांगे बिना पहला तो निष्फल है। अर्थात मंत्रा, तूने एक क्षण में हमें इतना प्रसन्न कर दिया और अब ये क्या कह रही है? मैं ये कह रही हूँ कि दूसरा वरदान भी बाकी है, और जानती है दूसरे वरदान में क्या मांगेगी? क्या? दूसरे वरदान में बस बस राम को 14 वर्ष का वनवास। नहीं मंत्रा, नहीं, हमारा पुत्र राजा बने ये उचित है, परंतु राम अभी अभी तो उसका विवाह हुआ है। नहीं मंत्रा, राम तो हमें भरत से ज्यादा स्नेह करता है। नहीं, ये हम नहीं। महाराज इंद्र की सहायता करने के लिए आप देवासुर संग्राम में गए थे, और वहां हम आपके साथ साथी के रूप में थे। कुछ याद आया महाराज? हाँ रानी, हमें याद है, और हमें ये भी याद है उस युद्ध में तुमने इतनी कुशलता से रथ चलाया था कि देवता भी चकित रह गए थे। फिर तो आपको यह भी स्मरण होगा कि उस युद्ध में आप घायल हो गए थे, और हमने बड़ी ही कुशलता के साथ आपको उस युद्ध भूमि से बाहर निकाला था। हाँ, हमें यह भी स्मरण है, और तब से हम अपने प्राणों को आपकी ही धरोहर समझते हैं। आप जब चाहे आपके ऊपर न्योछावर करते। महाराज, अभी आपको यही स्मरण नहीं कि आपने हमें वचन दिए हैं, तो आपके प्राणों को लेकर हम क्या करेंगे? हम तो आपको यह स्मरण करा रहे थे कि उस समय आपने अपने प्राण बचाने के लिए हमें प्रसन्नता के साथ 2 वरदान दिए थे। कुछ याद आया? और आपने यह भी कहा था कि तुम जब चाहो तब मुझसे ये वरदान मांग ले। तब हमने आपसे कहा था कि महाराज, जब हमें इन वरदानों की आवश्यकता होगी तो हम आपसे ये वरदान मांग लेंगे। याद आया? हाँ रानी, हमें स्मरण है। तो अब हमें ये आभास होता है कि उस समय हमने 2 वरदान में आपको काश में चले जाए। माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। सौगंध सहित लो रानी, अब यह मेरा कथन है, यह राज प्रतिज्ञा है मेरी, यही क्षत्रिय धर्म है। मध्यस्थ इस बात का ये ताज पद है, साक्षी है ये प्रकाश, यह पृथ्वी पवन है। आज पहली बार मुझे उस पवित्र नाम की खाता हूं तेरे सामने, सौगंध अपने राम की। वाह महाराज वाह, हमें प्रतीत हो गया कि आप सच्चे रघुवंशी हैं। तो ठीक है महाराज, आप हमें हमारे वो 2 वरदान दे दीजिए, परंतु पहले आप ये बताइए कि हमें कौन। तो सुन लो मेरे प्राणपति, ये धाती आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले
निज सुख को राज मानती हूँ। है दूसरा ऋण जो बाकी मेरा, लो सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, इस सब से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी है। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, तेरे पिताजी को क्या हुआ? कुछ नहीं राम, तुम्हारे पिता तुम्हारे वियोग के लिए तड़प रहे हैं। मेरा वियोग? परंतु ऐसी क्या बात हुई माता जी? पुत्र राम, क्या तुम्हें ये लगता है कि हम तुम्हारा अहित सोच सकते हैं? अहित नहीं माताजी, मुझे ऐसा नहीं लगता। परंतु तुम्हारे पिता को यही लगता है। पुत्र, एक बार देवासुर संग्राम में हमने महाराज के प्राण बचाए थे और उपहार स्वरूप किसी समय माता के कई ने पिताजी से वो वरदान प्राप्त किए थे। वो वरदान कौन से? वो वरदान राम, जिसमें पहले मैं मेरे प्यारे भाई भरत के लिए राजतिलक। भरत के लिए राजतिलक? भरत के लिए राजतिलक? अच्छा बेटा, भरत के लिए राजतिलक। और दूसरे वर में उन्होंने क्या मांगा राम? माता जी, दूसरे वर में उन्होंने मेरे लिए केवल 14 वर्षों का वनवास मांगा। के कहीं ने अपने राम के लिए? नहीं कह दो राम, यह सत्य नहीं। नहीं राम, मैं नहीं मान सकती। माता के कहीं ने अपने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास? नहीं नहीं राम। बांध ही रहती अगर तो कुछ गम ना था, मौत भी आ जाती अगर तो भी कुछ गम ना था। क्या गिना दुश्वार है अब तेरी सूरत देखकर, माँ का कहा मान ले ना, बन को जा मेरे जिगर। नहीं माता जी, मैं पिताजी की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आपसे आज्ञा लेने आया। नहीं हाँ, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकती।